वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 में चेन्नई टीम के सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉबिन उथप्पा के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 11 नवंबर 1985 को कर्नाटका में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 37 वर्ष के हैं। रॉबिन उथप्पा ने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से कम्प्लीट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉबिन उथप्पा 10 साल की उम्र में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थे। रॉबिन उथप्पा के पिता बेनू एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर थे और जैसे कि बाद में इन्होंने कर्नाटका हॉकी संघ के लिए अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वर्ष 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ एक T20 मैच में अर्धशतक बनाने वाले रॉबिन उथप्पा पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि रॉबिन उथप्पा ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, वहीं इनके पिता का नाम वेनू उथप्पा है जो कि एक हॉकी अंपायर रह चुके हैं। यदि बात करें इनके मदर के बारे में तो इनकी माँ का नाम रोजलिन है। वहीं दोस्तों, बात करें रॉबिन उथप्पा के मैरिटल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि यह मैरिड हैं। इनकी पत्नी का नाम शीतल गौतम है जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं। रॉबिन उथप्पा और इनकी पत्नी शीतल गौतम के बीच करीब 7 सालों तक रिश्ता रहा, जिसके बाद मार्च 2016 में इन दोनों ने शादी कर ली थी और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है नील उथप्पा। दोस्तों, यदि बात करें रॉबिन उथप्पा के शुरुआती डोमेस्टिक कैरियर के बारे में तो आपको बता दें कि रॉबिन उथप्पा एक बेहतरीन विकेट कीपर और एक अनुभवी बल्लेबाज हैं। इन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत डोमेस्टिक टीम कर्नाटका से की। उथप्पा ने डोमेस्टिक टीम कर्नाटका के लिए खेलते हुए वर्ष 2004 में चैलेंजर्स ट्रॉफी में इंडियन टीम बी की तरफ से खेलते हुए 66 रनों की पारी खेली। इसके अगले ही साल उसी कंपटीशन में इन्होंने इंडियन टीम बी के लिए खेलते हुए 93 गेंदों में 100 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। इसके बाद इंडियन टीम में इनका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, यदि बात करें उथप्पा के आईपीएल कैरियर के बारे में तो आपको बता दें, उथप्पा ने डोमेस्टिक टीम में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते रॉबिन आईपीएल के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। इनके इसी प्रदर्शन के कारण वर्ष 2008 में मुंबई इंडियंस की टीम ने इन्हें 3.2 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। इनकी सफलता के पीछे इनके कोच प्रवीण आमरे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रॉबिन उथप्पा का आईपीएल करियर बहुत ही धमाकेदार भी रहा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल करियर की शुरुआत इन्होंने वर्ष 2008 में किया, लेकिन यह अभी तक कई टीमों के लिए खेल चुके हैं, जैसे में कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉबिन इन टीमों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है और आईपीएल 2022 में यह चेन्नई टीम का हिस्सा है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोस्तों, यदि बात करें रॉबिन उथप्पा के इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई डेब्यू 9 अप्रैल 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ किया। वहीं इन्होंने टी20 डेब्यू 13 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ डरबन में किया। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉबिन उथप्पा के फिजिकल स्टैट्स के बारे में तो आपको बता दें कि इनका हाइट है करीब 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच। वहीं इनका वजन है करीब 72 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, यदि बात करें रॉबिन उथप्पा के नेटवर्थ के बारे में तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 80 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो इनके पास एक ऑडी और एक मर्सिडीज कार है। तो दोस्तों, यह थी रॉबिन उथप्पा के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।